देख रहे हैं आज तक इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के कड़े विरोध के बाद सरकार बिल में कुछ अहम संशोधन करने को तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक संशोधन में भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम पंचायत की 51% सहमति करने पर भी विचार हो रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार इसे लेकर विपक्ष से सलाह मशवरा करने को भी तैयार है। सूत्रों की माने तो भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार ने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने संख्या के दम पर भूमि अधिग्रहण बिल को तो पास करा लिया, लेकिन लोकसभा में राज्यसभा में उसके सामने चुनौती खड़ी हो गई है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब दिख गया था, क्योंकि जो राज्यसभा में हालत हुई उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस का विरोध और तमाम विपक्षी दलों का, अब ये एक बड़ा फैसला मोदी सरकार ने किया है। तो देखिए श्वेता, बिल्कुल एक बड़ा फैसला करने जा रही है मोदी सरकार। पहले नो अमेंडमेंट लेके आए थे लैंड एक्विजिशन बिल में लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास नंबर्स नहीं है, इसीलिए जो ग्राम पंचायत के अंदर सहमति का है 51% का होगा कि ग्राम पंचायत जब 51% अपनी तरफ से सहमति दे देगा लैंड एक्वायर करने को, तो उसके बाद लैंड एक्वायर की जाएगी। इस प्लॉट को लेकर बहुत सी बहस छिड़ी हुई थी लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर, किसानों का विरोध था, आम पार्टियों का विरोध था, और कहीं ना कहीं आरएसएस के जो संगठन है भारतीय किसान मजदूर संघों के साथ, भारतीय किसान, वो भी इसको लेकर विरोध कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब सरकार जो है कह सकते हैं बात की मुद्रा में है और वो चाहती है कि लचीला रवैया अपनाया है सरकार।